जहां पूरे देश में जश्न का माहौल है और जहां पर आम से लेकर खास लोग मोदी सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं जम्मू कश्मीर में अब एक अलग माहौल नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर अब बदला बदला नजर आ रहा है और ऐसे में अब एक जम्मू कश्मीर की जो पहले एक छवि हुआ करती थी उस छवि से बाहर निकल गया है अब हमारा जम्मू कश्मीर। और वहां पर अब आम जन अपने तरीके से रहना सीख रहे हैं, खाना सीख रहे हैं और जीना सीख रहे हैं। वैसे पहले भी रहते थे लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि खुली आज़ादी मिल गई है कि अब हम आज़ाद हैं और यही असर देखने को मिल रहा है। लेकिन इसी बीच महबूबा मुफ्ती की बेटी जो हैं उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है धारा 370 को लेकर। नमस्कार, मैं हूँ गायत्री गुप्ता और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। जम्मू कश्मीर की आबो हवा में परिवर्तन नज़र आ रहा है, बदलाव नज़र आ रहा है। वहाँ की खुशबू अलग तरीके से महक रही है और शायद वहाँ पर अब हर किसी के चेहरे पर खिलखिलाहट महसूस हो रही है। लेकिन शायद ये राजनेता है, वहाँ के क्षेत्रीय राजनेता जिनको कहीं ना कहीं साफ सूंघ गया है, जो कि जाहिर सी बात है कि वो लगातार खिलाफत कर रहे थे। उनकी राजनीति अब कहीं की नहीं रहेगी, सियासत वो चमका नहीं पाएंगे, सियासी रोटियां सेक नहीं पाएंगे, किसके लिए वो राजनीति करेंगे सवाल तो ये बनता है। जम्मू कश्मीर अब केंद्र शासित प्रदेश बनेगा और वहीं लद्दाख को भी अलग करके उसको भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। अब ऐसे में जितने भी राजनेता हैं उनकी सियासत जो है धरी की धरी रह गई, उसे वो नाम ही रहेगा, कहीं नाम आने वाले वक्त में गुमनाम ना हो जाए। फिलहाल अभी बात करते हैं महबूबा मुफ्ती को लेकर, जो कि PDP मुखिया हैं और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। उनकी जो बेटी हैं, उनकी बेटी ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है और उन्हें कहा है कि आखिर मेरी माँ महबूबा मुफ्ती को इस तरह से जानवरों की तरह बंद करके क्यों रखा हुआ है। महबूबा की बेटी हैं सना मुफ्ती, जिन्होंने पूरी घटना पर अपनी राय दी है और एक उन्होंने बयान दिया है कि जब महबूबा को हिरासत में लिया गया, मतलब सना मुफ्ती ने कहा है कि जब उनकी माँ को हिरासत में लिया गया तो उनके साथ वो घर पर ही मौजूद थी। महबूबा को एक सरकारी गेस्ट हाउस में रखा गया है और सना का ये भी कहना है कि उन्हें माँ के साथ गेस्ट हाउस में नहीं जाने दिया गया। इसके अलावा सना ने यह भी कहा है कि अनुच्छेद 370 हटाने का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि मुझे आपत्ति है कि धारा 370 को आखिर क्यों हटाया गया और उन्होंने ये भी कहा फैसले से कश्मीर के जो युवा हैं वो ठगे हुए महसूस कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने धोखा किया है। और सना ने यह भी कहा कि अमरनाथ यात्रियों को निकालते वक्त कहा गया कि हमले की आशंका है, सरकार ने हमसे झूठ बोला। और सना ने यह कहा कि हमें गुस्सा जाहिर करने की भी इजाज़त नहीं है, कब तक के लिए लोगों को घरों में बंद करेंगे, अगर ये फैसला कश्मीर के लोगों के भविष्य के लिए है तो उन्हें जानवरों की तरह क्यों बंद कर दिया गया है। और महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके कहा था कि BJP का नेता होने के बाद भी अटल बिहारी वाजपेयी की कश्मीरियों के साथ सहानुभूति थी और उन्होंने कश्मीरियों का प्यार हासिल किया, आज उनकी कमी को हम सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। और कुल मिलाकर महबूबा मुफ्ती कई बार, जब से बीते साल से गठबंधन टूटा है भारतीय जनता पार्टी और PDP का, उसी वक्त से लग गया था कि कुछ ना कुछ BJP जो है खिचड़ी पका रही है जम्मू कश्मीर को लेकर। हालांकि उसके बाद जो है वहां पर राज्यपाल शासन लगा और राज्यपाल शासन खत्म होने वाला था लेकिन अमित शाह ने गृहमंत्री बनते ही वहां पर राज्यपाल शासन को और बढ़ा दिया। जाहिर सी बात है कि उसके पीछे की वजह ये थी कि वहां पर अमित शाह जो थे उनकी सोची समझी साजिश काम कर रही थी, वो कहीं ना कहीं धारा 370 को लेकर काम कर रहे थे। और जाहिर सी बात है उन्होंने खुद ये कहा था कि सरकार बनते 100 दिन के अंदर धारा 370 पर कड़ा फैसला लेंगे और आखिरकार उन्होंने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए बड़ा कदम उठा ही दिया। उन्होंने जम्मू कश्मीर से धारा 370 पर ऐतिहासिक फैसला लेते हुए इस धारा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालांकि एक खंड लागू रहेगा लेकिन बाकी खंडों को उन्होंने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया। अब ऐसे में महबूबा मुफ्ती हो या महबूबा मुफ्ती की बेटी हो, उमर अब्दुल्ला हो या सज्जाद गनी लोन हो या अलगाववादी हो, कहीं ना कहीं हर कोई ये जानता है कि कश्मीर से आतंकवाद पनपता था और वहीं के जरिए जो पूरे देश में फैलता था और वहीं से आतंकवाद को कहीं ना कहीं जो था वहाँ पे एक शरण दी जाती थी। भले महबूबा मुफ्ती इस बात को नकारे, महबूबा मुफ्ती का पाकिस्तान प्रेम हमें देखने को मिला है, अलगाववादियों का प्रेम पाकिस्तान प्रेम हमें देखने को मिला है। भले ही पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में रह रहे लोग पाकिस्तान से त्रस्त हों, वो जम्मू कश्मीर और भारत सरकार को हों, लेकिन कुछ ऐसे ही वहाँ पे तथाकथित ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने भारत सरकार की अवहेलना करते हुए वहाँ पाकिस्तान का जमकर समर्थन किया है। कश्मीरी युवक की अगर बात की जा रही है तो PM मोदी से लेकर राजनाथ सिंह कई बार उन्होंने कहा है कि हम युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, हम युवाओं के भविष्य के लिए काम करना चाहते हैं और कुल मिलाकर हम जम्मू कश्मीर का विकास करना चाहते हैं। फिर ऐसे में आखिर सना मुफ्ती का स्टेटमेंट कि युवा ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, आखिर आर्मी पर वो पत्थरबाजी करते हैं क्यों करते हैं, हो सकता है दोनों पक्षों की गलती हो लेकिन उसे मंथन करना बहुत ज़रूरी है कि युवा
क्यों पत्थरबाजी करते हैं कश्मीर में, आखिर आर्मी पे क्यों इतने आरोप लगते हैं कि आर्मी पे इतने गंभीर आरोप लगते हैं कि वहाँ की महिलाओं के साथ गलत काम किया जाता है, वो भी आर्मी के लोग करते हैं। जाहिर सी बात है हर सवाल का जवाब मोदी सरकार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आग लगी है तो जाहिर सी बात है वो आग लगने के पीछे की वजह भी होगी। और कुल मिलाकर जाहिर सी बात है फिलहाल धारा 370 हट चुकी है। जम्मू कश्मीर से कश्मीरी पंडितों ने स्वागत किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया गया था, उनके अधिकारों को जो है छीन लिया गया था। अब ऐसे में देश का हर नागरिक जम्मू कश्मीर में अपनी ज़मीन खरीद सकता है, वहाँ के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जाके बस सकते हैं। अब ऐसे में वो हमारा एक राज्य है, पहले भी था, लेकिन धारा 370 के तहत उसको इतनी वो मजबूती दे दी गई थी कि वहाँ के लोग कुछ भी करते थे। लेकिन कुछ भी तो शायद अब इस देश में नहीं चलेगा। और जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर हमारा भी अंग है, चाहे इतिहास इसकी गवाही दे रहा है। और कहीं ना धारा 370 को ख़त्म करके मोदी सरकार ने इस बात की गवाही दी है, और देश का हर नागरिक खुश है। और तो जाहिर सी बात है कि मोदी सरकार ने एक साहसिक कदम उठाया है, भले ही महबूबा मुफ्ती की बेटी कुछ भी कहती रहे। नमस्कार।